नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस की जो एग्ज़ाम डेट है वो अब रिलीज़ कर दी गई है। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस अभी HSSC की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला है, बट हम मान के चलते हैं कि एक या दो दिन में HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको ये जो रिटर्न एग्ज़ाम का नोटिस है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का वो आपको देखने को मिल जाएगा। 20 अगस्त 2024 को आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो बताया जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो PST की लिस्ट है, रिज़ल्ट है, वो नहीं जारी किया गया है। एक या दो दिन में कैसे कर लेंगे। हालांकि ग्रुप नंबर 56 और 57 की साथ ही जो ये रिटर्न एग्ज़ाम है वो घोषित की गई है अभी एक या दो दिन पहले, उनके एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए। खैर, हमारा ये मुद्दा नहीं है, एडमिट कार्ड आए या ना आए, एग्ज़ाम हो या ना हो, हम अपनी तैयारी करते रहेंगे और हम 20 अगस्त को मानकर ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। इसी केस के अंदर हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर इस टॉपिक से आपको 5 से 7 क्वेश्चन इजीली देखने को मिलेंगे, इस वजह से ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 7 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से टॉप 100 जो MCQ हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, यहाँ से आपका एनिमल हस्बेंड्री से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में से आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप इस वीडियो की कंप्लीट PDF बिल्कुल फ्री में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लेना, टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन करके यहाँ पर आपको जो ये है PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है, कौन से देश में सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं, भारत में, चाइना में, USA में या फिर डेनमार्क में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो भारत देश के अंदर सर्वाधिक जो है पशु की आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को यहाँ पे कहा गया है, विश्व की कुल पशु संख्या का कितनी प्रतिशत गाय भैंस भारत में पाई जाती हैं, तो कितने प्रतिशत पाई जाती है, 10%, 20%, 30% या फिर 40%। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 20% विश्व की कुल पशु संख्या का भारत में निवास करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया, विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है, तो कितना हिस्सा भारत के अंदर पाया जाता है कुल गोधन का, 11%, 16%, 21% या फिर 26%। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुल गोधन का 16% जो है भाग है, हिस्सा है, वो भारत के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर, फिफ्थ में कहा गया, भारत में सर्वाधिक पशु धन किस राज्य में पाया जाता है, तो किस राज्य के अंदर जो पशु हैं वो सब सर्वाधिक पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो सर्वाधिक पशु है उनकी संख्या मिलती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया, किस देश की गायों को टी कप काऊ के नाम से भी जाना जाता है, तो किस देश के अंदर टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है गायों को, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर जाना जाता है, भारत के अंदर जाना जाता है या फिर डेनमार्क के अंदर जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत देश के अंदर ही जो गायें हैं उनको टी कप काऊ नाम से जाना जाता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी के ऊपर आपको जो है वो PDF फ्री मिलने वाली है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पर, क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है, तो भारत के अंदर लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है गायों की, 10 नस्ल पाई जाती है, 15 नस्ल पाई जाती है, 21 या फिर 27। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के अंदर लगभग 27 गायों की जो है नस्ल वो पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर एट पर, क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया है गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, हरियाणा, अमृत महल, साहिवाल या फिर नागौर। क्वेश्चन नंबर एट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साहिवाल नस्ल की जो गाय है वो सर्वाधिक दूध देती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पर, नाइन में कहा गया, थार पारकर किस पशु की नस्ल है, तो थार पारकर किस पशु की नस्ल है, गाय की है, भैंस की है, बकरी की है या फिर भेड़ की है। क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो थार पारकर है ये गाय पशु की जो है वो नस्ल
है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कहा गया सुजाता किस पशु की प्रजाति है, तो किस पशु की प्रजाति है सुजाता, गाय की, भैंस की, बकरी की या फिर भेड़ की। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो गाय की, गाय जो पशु है उसकी प्रजाति है ये एक सुजाता। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कहा गया सूरती गायें भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है, जो सूरती नस्ल की गायें हैं ये भारत के किस राज्य में पाली जाती है मुख्यतः, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गुजरात राज्य के अंदर ये मुख्य रूप से पाली जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया लाल सिंधी है, तो लाल सिंधी क्या है, भैंसों की प्रजाति है, घोड़े की प्रजाति है, गाय की प्रजाति है या फिर मानव की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो लाल सिंधी है ये एक गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया हल्लीकर नस्ल की गाय का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, तो ये एक गाय की नस्ल है जिसका नाम हल्लीकर है और ये कहाँ पर पाई जाती है मूल स्थान इसका, बिहार, मैसूर, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो हल्लीकर नस्ल की जो गाय है इसका मूल स्थान है मैसूर यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया थार पार्कर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो थार पार्कर प्रजाति कहाँ पाई जाती है, जनजाति क्षेत्रों में पाई जाती है, राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, हाड़ोती क्षेत्र में पाई जाती है या फिर तोताबाती क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये जो थार पार्कर प्रजाति है ये राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह है, तो कौन सी गाय की नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, गंगातीरी, हरियाणा, साहीवाल या फिर थारपारकर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो साहीवाल नस्ल की जो गाय है वो सर्वाधिक दूध देती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है, तो ये पूछा गया कौन सी विदेशी नस्ल की गाय नहीं है, कांकरेज, ब्राउन स्विस, होलस्टीन फ्रीजियन या फिर जर्सी। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो कांकरेज नस्ल की गाय है ये विदेशी नहीं है, बाकी तीनों जो नस्ल हैं ब्राउन स्विस, होलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी ये तीनों ही नस्लें जो है वो विदेशी गायों की है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में कहा गया गरनसी गाय का मूल स्थान कहाँ है, तो गरनसी गाय है इसका मूल स्थान कहाँ है, फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, हॉलैंड के अंदर या फिर न्यूजीलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो गरनसी गाय का जो मूल स्थान है वो है फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति है, तो कौन सी है, डोरसेट, होलस्टाइन, साहीवाल या फिर रेड सिंधी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये होलस्टाइन जो प्रजाति है गाय की ये उच्च दुग्ध उत्पादन की प्रजाति है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, 20 तारीख को आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो उस हिसाब से आपको बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे देखना होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। बाकी आप आराम से पढ़ लेना, इसकी PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके आराम से रात को बैठ के एक एक क्वेश्चन को आराम से रीड कर लेना। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में कहा गया है भारत में कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है, तो कौन सी की गई है, करन फ्रीज की, गरनसी की, जर्सी की या फिर करन स्विस की। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो भारत के अंदर करन फ्रीज नस्ल की जो गाय है इसकी संकर नस्ल पैदा की गई है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया गाय एवं भैंस कितने दिनों के बाद पुनः ऋतुमयी होती हैं, तो कितने दिनों के बाद ये जो ये पुनः है वो ऋतुमयी होती हैं, 18 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 23 दिन के बाद या फिर 25 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये 21 दिन के बाद जो गाय और भैंस हैं वो पुनः ऋतुमयी होती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया दुधारू गायों की, दुधारी गाय जो होती है उसकी पहचान क्या होती है, अयनपूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नालिका उभरी रहती है, दुग्ध नालिका टेढ़ी मेढ़ी होती है या फिर सभी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये सभी तीनों जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएंगे, दुधारू गाय की ये तीनों ही पहचान होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर।
22 में कहा गया भारत विश्व में सर्वाधिक भैंसें किस देश में पाई जाती हैं, तो विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में या फिर चाइना में। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो भारत के अंदर जो है वो सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है विश्व की कुल भैंसों का कितना प्रतिशत भारत में पाई जाती है, तो विश्व की जितनी भी भैंस हैं उनका कितने प्रतिशत भारत में निवास करती हैं, 34%, 43%, 57% या फिर 65%। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो 57% जो है वो भारत के अंदर निवास करती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है उत्तर प्रदेश के अंदर ही जो है वो सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भैंस की नस्ल नहीं है, तो भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, सूरती, मुर्रा, नागपुरी या फिर मेवाती। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ये मेवाती नस्ल है ये भैंस की नहीं है, बाकी तीनों जो नस्ल हैं वो भैंस की हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया मुर्रा भैंस किस लक्षण से पहचानी जाती है, तो मुर्रा भैंस को कैसे पहचाना जाता है, छोटे मुख से पहचाना जाता है, भारी शरीर से पहचाना जाता है, लंबी पूंछ से पहचाना जाता है या फिर छल्लेदार सींग से पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो मुर्रा भैंस को जो पहचाना जाता है वो छल्लेदार सींग को देखकर पहचाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा क्या होती है, तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है, 7.2%, 4.5%, 9.0% या फिर 10%। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये होती है 7.2%। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है, मुर्रा भैंस के दूध में पाई जाती है, भदावरी, मेसाना या फिर नागपुरी। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो भदावरी जो भैंस है उसके दूध के अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस कौन सी है, तो ये अगेन भदावरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया गरीबों की गायें के नाम से किसे जाना जाता है, तो गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, बकरी को, भेड़ को, भैंस को या फिर सुअर को। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो बकरी को ही गरीबों की गायें के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया किस देश में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है, तो पाकिस्तान में है, भारत में है, कांगो में है या फिर इसराइल में है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो भारत के अंदर ही जो है वो बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में कहा गया भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है वो बकरियां सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में कहा गया निम्न में से कौन बकरी अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, तो कौन सी बकरी सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, जमुनापारी, बर्बरी, मेहसाना या फिर कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो बर्बरी जो बकरी है वही सर्वाधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया एग्लो नूबियन नस्ल की जो बकरी है इसका मूल स्थान कहाँ पर है, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये जो एग्लो नूबियन नस्ल की जो प्रजाति की बकरी है इसका मूल स्थान है ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है, तो बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको जर्सी भी कहा जाता है, सानेन को कहा जाता है, अंगोरा को कहा जाता है, एंग्लो नूबियन को कहा जाता है या फिर मराड़ी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो एंग्लो नूबियन नस्ल की जो बकरी है उसको ही जर्सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर।
क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो विश्व की जो दूध की रानी है वह किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, अल्जेरियन, सानेन, मराड़ी या फिर अंगोरा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा सानेन जो है, सानेन नस्ल की जो बकरी है इसी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 में कहा गया शहरी बकरी के नाम से कौन सी बकरी जानी जाती है, जमुनापारी, बीकानेरी, बर्बरी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा बर्बरी। बर्बरी नाम की जो बकरी है उसको शहरी बकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 में कहा गया सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, थारपारकर, मेरिनो, जमुनापारी या फिर पश्मीना। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो जमुनापारी नाम की बकरी है यही सर्वाधिक दूध देती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 में कहा गया मोहेर नामक ऊन अंगोरा नामक नस्ल से प्राप्त किया जाता है, यह किसकी नस्ल है, तो मोहेर नामक जो ऊन है यह अंगोरा नाम की नस्ल से प्राप्त किया जाता है। तो अंगोरा नामक जो नस्ल का पशु है ये कौन सा पशु है, तो आइए देख लेते हैं क्या ये बकरी है, भेड़ है, खरगोश है या फिर याक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगी बकरी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पर। 42 में कहा गया ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है, तो ऊन के लिए विख्यात है ये पशु जिसका नाम है पश्मीना, तो ये पशु, तो ये जो पश्मीना है ये क्या है, भेड़ है, खरगोश है, बकरी है या फिर याक है। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगी बकरी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में निम्नलिखित से क्या सत्य है, तो क्या सत्य है, लोह लवण अधिक होता है, लोह लवण समान होता है, लोह लवण बहुत कम होता है, ये लोह कर लेना है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लोह लवण बहुत कम होता है या फिर लोह लवण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो लोह लवण होता है वो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि, तो बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है क्योंकि प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, वसा गोलिकाएं जो होती है वो छोटी छोटी होती हैं, वसा की मात्रा बहुत कम होती है या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो वसा गोलिकाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में कहा गया किसके मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है, तो किस पशु का जो मांस होता है उसको चेवन के नाम से पुकारा जाता है, गाय के मांस को पुकारा जाता है, भेड़ के मांस को, बकरी के मांस को या फिर सुअर के मांस को। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा बकरी। तो बकरी के मांस को चेवन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में कहा गया विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर ही सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में कहा गया विश्व की कुल भेड़ों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो कितने प्रतिशत भारत में पाया जाता है, कुल भेड़ों का 10%, 15%, 20% या फिर 5%। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 5% विश्व की भेड़ों का जो है वो भारत के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया भारत में सर्वाधिक भेड़ किस राज्य में पाई जाती है, तो सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो राजस्थान के अंदर है वो सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन भेड़ की प्रजाति नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी है जो भेड़ की प्रजाति नहीं है, गुरेज, भादरवाह, मेवाती या फिर करनाहा। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, तो ये मेवाती हो जाएगा।
तो 49 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से जो भेड़ की प्रजाति नहीं है वो कौन सी है? मेवाती जो है वो भेड़ की प्रजाति नहीं है, बाकी गुरेज, भादरवाह और करना ये तीनों ही भेड़ की प्रजाति है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है कोरी डेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? तो कोरी डेल जो है वो किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भैंस की है, भेड़ की है, बकरी की है या फिर सुअर की है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। तो ये जो कोरी डेल नामक पशु है ये प्रजाति जो है ये भेड़ की प्रजाति है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है निम्न में से कौन सी विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो विदेशी भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? हिसार डेल, साउथ डाउन, रेम्बू लेट या फिर लिंकन? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो विदेशी भेड़ों की नस्ल नहीं है वो है हिसार डेल, बाकी ये जो तीनों नस्लें हैं नीचे की साउथ डाउन, रेम्बू लेट या फिर लिंकन, ये तीनों ही भेड़ों की जो है वो विदेशी नस्ल है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 में कहा गया है मेरिनो किसकी प्रजाति है? तो मेरिनो किसकी प्रजाति है? भेड़ की है, बकरी की है, सुअर की है या खरगोश की है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मेरिनो प्रजाति है ये है भेड़ की। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 53 पर। 53 में कहा गया है मेरिनो नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्पेन में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मेरिनो नस्ल की भेड़ें होती हैं इनका मूल स्थान है स्पेन में। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है लिंकन नस्ल की भेड़ों का मूल स्थान कहाँ है? तो पहले आपको ये भी याद रखना है ये जो लिंकन नस्ल है ये किसकी है? ये भेड़ों की नस्ल है। इसका मूल स्थान कहाँ है? ब्राज़ील, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में कहा गया है पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है? तो पोलवर्थ नाम की भी भेड़ है, इसका जन्म स्थान कहाँ है? इंग्लैंड, स्पेन, सऊदी अरब या फिर ऑस्ट्रेलिया? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ की विदेशी नस्ल है। तो ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो भेड़ की नस्ल है वो कौन सी है? मेरिनो, लिंकन, पोलवर्थ या फिर सफाक? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो जाएगा मेरिनो। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57 में कहा गया भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी भेड़ की नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? नेलोर, नीलगिरी, सोनाड़ी या फिर जैसलमेरी? क्वेश्चन नंबर 57 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये जैसलमेर की जो नस्ल है उसको सबसे अधिक अच्छी नस्ल की जो भेड़ है वो माना जाता है कारपेट वूल के उत्पादन हेतु। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 में कहा गया भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो भेड़ से जो ऊन उतारने का काम होता है वो कब किया जाता है? सर्दी के बाद, वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु के बाद या फिर ग्रीष्म ऋतु के बाद? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो भेड़ से ऊन उतारने का उपयुक्त मौसम होता है वो होता है सर्दी के बाद में, यानी कि जब फरवरी और मार्च आता है तब इनकी जो है वो ऊन उतारने का काम किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में कहा गया अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? तो अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? यूएसए, चाइना, ब्राज़ील या फिर भारत? क्वेश्चन नंबर 59 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये यूएसए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। अंडा उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडों के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तृतीय, चतुर्थ, पांचवां या फिर सातवां? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो जाएगा पांचवां स्थान भारत का अंडों के विश्व अंडों के उत्पादन में है पांचवां स्थान। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 61 पर।
क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की खपत कितनी है, 29, 41, 45 या फिर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 61। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में कहा गया है, कौन सा भारतीय राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा भारतीय राज्य है जो एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये आंध्र प्रदेश को ही पूरे एशिया के अंदर अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है, लेंगरहान का मूल स्थान कहाँ है, तो लेंगरहान का मूल स्थान कहाँ है, इटली, डेनमार्क, आयरलैंड, ब्रिटेन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे जो लेंगरहान है ये क्या, कौन सी पशु की प्रजाति है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 64 पर। 64 में कहा गया, टर्की किसकी नस्ल है, तो टर्की किस पशु की नस्ल है, मुर्गी की, बतख की, हंस की या फिर बकरी की। 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो टर्की नस्ल की है ये होती है मुर्गी। ठीक है, मुर्गी जो होती है वो टर्की नस्ल की होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 में कहा गया, असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, तो असील मुर्गे का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो असील मुर्गे का जो मूल स्थान है वो आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 में कहा गया, प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी, लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे, तो किस नस्ल के जो मुर्गे हैं वो लड़ने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते थे, बसरा, बामूस, असील या फिर लेगरहान। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये असील जो नामक मुर्गे की प्रचलित ये जो नस्ल थी इनको ही लड़ने के लिए उपयुक्त माना जाता था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 में कहा गया है, निम्न में से गोश्त मांस के लिए मुर्गी की उच्चतम नस्ल कौन सी है, तो कौन सी मुर्गे की नस्ल को मांस उत्पादन मांस के लिए उच्चतम माना जाता है, उत्तम माना जाता है, लेंगरहान, ओरिपिटिंगटन, कार्निश या फिर वायोडोट। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये ओरिपिटिंगटन नाम की जो मुर्गी है इसको मांस के लिए उत्तम नस्ल माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गी के अंडे सबसे उत्तम माने जाते हैं, तो किस जाति की मुर्गी के अंडे सर्वाधिक उत्तम माने जाते हैं, कार्निश, ओरिपिटिंगटन, लेंगरहान या फिर असील। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा लेंगरहान। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा गया, मुर्गी के अंडे में योक और सफेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है, तो मुर्गी के जो अंडे होते हैं उसके अंदर योक और सफेदी की जो मात्रा होती है प्रतिशत वो कितना होता है, 40 व 60%, 22 व 50%, 32 व 57, 47 व 53। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा 32% और 57%। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया, अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो अंडपीत में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 71 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो अंडपीत के अंदर जो सबसे अधिक है वो वसा पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया, अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है, तो अंडे का जो एल्बुमिन होता है उसके अंदर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो सर्वाधिक पाया जाता है खनिज लवण। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है, तो मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का आवश्यक
होना क्यों आवश्यक है, अंडपीत के विकास के लिए, एल्बुमिन के विकास के लिए, अंडकवच की झिल्ली के विकास के लिए, या फिर अंडकवच के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थ होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अंडकवच के विकास के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पर। 74 में कहा गया अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपयोगी है। तो अंडा उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक उपयोगी है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या फिर मैंगनीज। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 में कहा गया ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है। जो ऊंट होता है जिसे रेगिस्तान का जहाज भी बोला जाता है, इसके ऊपर पीठ के ऊपर एक कूबड़ होता है, तो ये इस कूबड़ का उपयोग किस लिए करता है, जल के संग्रह के लिए, वसा के संग्रह के लिए, तापमान के नियमन के लिए, या फिर शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 75 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऊंट अपने कूबड़ का जो उपयोग है वो जल के संग्रह के लिए करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है। तो निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है, मोलाक, ऊंट, जिब्रा या फिर यूरोमिनिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो यह हो जाएगा ऊंट। ऊंट अपने अंदर जो है वो पानी का स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 में कहा गया मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो मछलियाँ किस वर्ग में आती हैं, रेप्टिलिया, इकाइनोडर्मेटा, पीसीज या फिर एम्फीबिया। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये पीसीज के अंदर आती हैं। मछलियाँ किस वर्ग के अंदर आती हैं, तो ये पीसीज वर्ग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 78 पर। 78 में कहा गया सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है। तो सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है, मछली की, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की या फिर टमाटर की। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये जो सिल्वर कॉर्प है ये मछली की प्रजाति होती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 79 पर। 79 में कहा गया नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन, तेल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो नीली क्रांति है ये मत्स्य उत्पादन से संबंध रखती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, गुलाब उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से या फिर झींगा उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 में कहा गया भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्वच्छ जलीय मत्स्य उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये जो भारत का विश्व में है वो द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 में कहा गया है कि भारत में कुल मत्स्य उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग समुद्र से प्राप्त होता है। तो समुद्र से कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है, 40%, 50%, 60% या फिर 70%। क्वेश्चन नंबर 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 50% जो है वो भाग समुद्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 83 पर। तो क्वेश्चन नंबर 83 के अंदर कहा गया है भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो जो बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है, भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक जो राज्य है वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 84 पर। 84 में कहा गया भारतवर्ष के सभी राज्यों में कौन सा एक भारतीय राज्य संघीय प्रदेश सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन प्रतिवर्ष करता है। तो श्रिम्प उत्पादन जो है वो प्रतिवर्ष कौन सर्वाधिक करता है, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ओडिशा या फिर केरल। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो गुजरात राज्य जो सर्वाधिक श्रिम्प है उसका उत्पादन करता है प्रतिवर्ष। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 85 पर।
क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। 85 में कहा गया एपिकल्चर किससे संबंधित है, तो एपिकल्चर किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से, मधुमक्खी पालन से, या फिर कुकुट पालन से। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 में कहा गया है भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी को पाला जाता है, तो शहद के लिए भारत में किस मधुमक्खी को पाला जाता है, मूंगा, खैरा, छोटी भुनगा या फिर मेडिपोना। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा खैरा नाम की जो मधुमक्खी है इसी को शहद के लिए पाला जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 में कहा गया भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितना शहद प्राप्त प्रतिवर्ष प्राप्त किया जा सकता है, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या फिर 13 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 87 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो 5 किलोग्राम भारत में एक छत्ते से अधिकतम शहद प्रतिवर्ष प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किस तरह एक दूसरे को पहचानती है, गंध से, दृष्टि से, नृत्य से यानी डांसिंग से, या फिर स्पर्श से। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये नृत्य यानी कि डांसिंग से मक्खियां एक दूसरे को पहचानती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर। तो क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया एक छत्ते में रानी मधुमक्खियों की संख्या कितनी होती है, तो एक छत्ते के अंदर जो रानी मधुमक्खियाँ होती हैं वो टोटल कितनी होती है, 1, 3, 5 या 7। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये होती है 1। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 में कहा गया छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है, तो छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है, यूएसए, भारत, पाकिस्तान या फिर चाइना। क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो यूएसए के अंदर छोटी भुनगा का जो है वो मूल स्थान है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 91 पर। 91 में कहा गया शहद में जल की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, तो जो शहद होता है उसके अंदर जल की भी मात्रा होती है, कितनी होती है, 10%, 15%, 17% या फिर 21%। क्वेश्चन नंबर 91 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये 17% जो है जल की मात्रा होती है शहद के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया शहद में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है, 70%, 78%, 81% या फिर 90%। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हो जाएगा 78%। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 93 पर। बस ये वीडियो ख़त्म होने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। 93 में कहा गया है 1 किलोग्राम शहद से औसतन रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो 1 किलोग्राम शहद से कितनी ऊर्जा मिलती है, 1200 कैलोरी, 2500 कैलोरी, 2900 कैलोरी या फिर 3500 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो 1 किलोग्राम शहद से 3500 कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 94 पर। 94 में कहा गया मधुमक्खी फ्लोरा किससे कहते हैं, तो मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं, मधुमक्खियों के रहने के स्थान को, मधुमक्खियों के झुंड को, पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को या फिर उपयुक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो पसंद किए जाने वाले पेड़ पौधों को ही मधुमक्खी फ्लोरा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 95 पर। 95 में कहा गया सारंग मधुमक्खियों से प्रति छत्ता प्रतिवर्ष 40 किलोग्राम शहद मिलता है, फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता, क्योंकि क्यों नहीं पाला जाता है, ये घुमक्कड़ स्वभाव की होती हैं, ये चिड़चिड़ी स्वभाव की होती हैं, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 95 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा दोनों ही। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 में कहा गया दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये प्रथम स्थान है। अगर गायों के उत्पादन की बात करें, स्पेशल ये पूछा जाए कि गाय के उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तब आ जाएगा दूसरा, तो पहले स्थान पर यूएसए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर कहा गया है किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बना था, तो किस वर्ष बना था, 1995, 1997, 1998 या फिर 2000। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, तो 1998 ईस्वी के अंदर भारत जो था वो विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक जो देश है वो बन गया था।
नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 90 में, कहा गया श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, चूने उत्पादन से, नमक उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या फिर उर्वरक उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो दुग्ध उत्पादन से है वही संबंधित हो जाएगी श्वेत क्रांति। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 99 पर, क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है, तो आनंद दूधवाला, त्रिभुवन दास पटेल, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या फिर करसन भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, यही श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में लोकप्रिय है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 100 पर, तो क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1950, 1960, 1970 या फिर 1978। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो 1970 था इसी में 1970 में ही जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हो गई थी भारत में। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 101 पर, तो इसके अंदर कहा गया अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार पुरुष पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरुष पुरस्कार से सम्मानित कौन से व्यक्ति है निम्नलिखित में से, एम एस स्वामीनाथन, आर एस परोदा, वर्गीज कुरियन, या फिर नॉर्मन बोरलॉग। क्वेश्चन नंबर 101 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट आ जाएंगे 102 पर, क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया डॉक्टर वर्गीज जॉन कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है, पशुपालन से, पादप रोग विज्ञान से, दुग्ध विकास उद्योग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे ये दुग्ध विकास उपयोग से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 103 पर, इसके अंदर कहा गया ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित है, बांध निर्माण से, भीड़ नियंत्रण से, बाढ़ नियंत्रण से, या फिर दुग्ध विकास से। तो क्वेश्चन नंबर 103 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये जो ऑपरेशन फ्लड है ये बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 104 पर, क्वेश्चन नंबर 104 में कहा गया एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती नामक कॉलोनी कहाँ स्थापित की गई है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, या फिर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 104 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये की गई है महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 105 पर, तो क्वेश्चन नंबर 105 में कहा गया राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1964, 1965, 1966 या फिर 1967। क्वेश्चन नंबर 105 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 1965 के अंदर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो है वो स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 106, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारे आज के वीडियो सेशन का। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में कहां पर हुई थी, आनंद गुजरात में, मध्य प्रदेश में, बेंगलोर में, या फिर मथुरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 106 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 के अंदर आनंद गुजरात के अंदर की गई थी। तो ये आज का मेन टॉपिक था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जिससे आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मिनिमम 100 लाइक्स तो करवा ही देना प्लीज़। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके ये वीडियो आपके लिए बना के लेके आया हूँ मैं। और भी अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा किस टॉपिक पर वीडियो बना दी जाए, जिससे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सके। तो बाकी हम देखेंगे, अगर टाइम मिल जाता है तो मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए थे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 2021 में, उनकी भी जो PYQ सीरीज है वो मैं आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे करवा दूंगा, जिससे पिछला जो PYQ क्वेश्चन पेपर आया था हरियाणा पुलिस का, उसके लेवल का आपको पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना प्लीज़, ताकि सभी बच्चों को एकदम से इस वीडियो को मिल सके, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोज देखे हैं जिसमें कंपाइलेशन करवाए जा रहे हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके के 10-15 क्वेश्चन हो गए, एग्रीकल्चर के 10-15 क्वेश्चन हो गए, कंप्यूटर के 10-12 क्वेश्चन हो गए, ऐसे करवा जा रहा है। स्पेसिफिक जो सेपरेट जो टॉपिक है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके लिए बड़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बना के लाया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और अगर इस जो वीडियो लेक्चर की कंप्लीट PDF आप इस टॉपिक की चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो जो PDF है उसको डाउनलोड करके आराम से बैठ के रात को पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।